Hey guys, what's up everybody, welcome back to my channel. मैं हूं शायन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग घर पे अपने हेयर पे जो है बबल गम ब्लू हेयर कलर कैसे कर सकते हो। जैसे कि मेरा अभी है बबल गम ब्लू, मैंने हाईलाइट किया है, बट आप लोग घर पे जो है इसको पूरा कलर भी कर सकते हो, पूरा डाई भी कर सकते हो। तो गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि अपने घर पे आप लोग कैसे कर सकते हो, पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, आप भी घर पे कर सकते हो बबल गम ब्लू हेयर कलर। तो गाइस, आप जब घर पे करने जाओगे ये बहुत ही कम खर्च में हो जाएगा। एंड आप लोग जब एक पार्लर या फिर कहीं सैलून पे करने जाओगे, ये आपसे जो है लूट लेगा, 2-3 हज़ार तो ले ही लेगा, मैक्सिमम 2 हज़ार तो ले ही लेगा एक कलर के लिए। तो ऐसे अपने घर पे आप लोग बहुत ही सस्ते में कर सकते हो। एंड कैसे कर सकते हो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। एंड गाइस, ये कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग करना चाहते हैं बट उसको मतलब पता नहीं है कैसे करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग घर पे बबल गम ब्लू हेयर कलर कर सकते हो बहुत ही सस्ते में, बहुत ही चीप रेट में। तो खुद ही कर सकते हो अपने हेयर पे, किसी का मतलब हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो घर पे। तो कैसे करना है, तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना, एंड कुछ बात है तो कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड मेरा इवन इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ क्रेजी कलर। क्रेजी कलर का बहुत सारा वेरियंट जो है ऑनलाइन पे मिल जाता है। तो गाइस, मैंने ये खरीदा था 650 रुपीज़ में। आपको ये खरीदना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस प्रोडक्ट को सबसे कम दाम में खरीद सकते हो। तो आपको जो है आपके हेयर के हिसाब से आपको अमाउंट, थोड़ा अमाउंट या भी ज़्यादा आपको करना है तो उस अमाउंट के हिसाब से आपको लेना है। एक नॉन मेटेलिक बोल लीजिए, प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो या फिर ग्लास का, बट मेटेलिक कुछ भी नहीं लेना है। नॉन मेटेलिक किसी भी बोल पे आप ले लीजिए। एंड ब्रश से जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है अपने हेयर पे इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। आप जहाँ पर ब्लीच है वहाँ पर ही कीजिए, जहाँ पर हेयर जो है ब्लीच किया हुआ है पहले से वहाँ पर ही कीजिए, क्योंकि ब्लीच किया हुआ जो हेयर है उसके ऊपर ये अच्छे से काम करेगा। और जो अदर हेयर है जहाँ पर ब्लीच नहीं है वहाँ पर एक थोड़ा सा भी कलर नहीं होगा, थोड़ा सा भी असर नहीं करेगा। तो मैं फ्रंट से ज़्यादा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रंट से हाईलाइट करूँगा एंड बीच बीच में थोड़ा जो है रूट्स को जो है ब्लैक रखूँगा एंड पीछे थोड़ा गोल्डन भी रखूँगा। तो मुझे हाईलाइट करना है इसलिए मैंने थोड़ा ही अमाउंट लिया एंड थोड़ा समय से ही कर रहा हूँ। तो इस आपको पूरा बबल गम ब्लू चाहिए, पूरा हेयर जो है डाई करना है तो आपको जो है ज़्यादा अमाउंट लेना है एंड पूरा हेयर पर जो है अप्लाई करना है। बस मैंने यहाँ पर लगा लिया है एंड थोड़ी देर बाद सूखने के बाद मैं इसको 30 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स बाद मैं इसको वॉश कर लूँगा। तो गाइस चलते हैं एंड 35 मिनट्स बाद वॉश करके आते हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा इस कलर को कैसे यूज़ करते हैं। इस कलर को यूज़ करके जो है आप एक घर पे बहुत ही अच्छा हेयर कलर पा सकते हो। एंड गाइस, ये जो एक सेमी परमानेंट कलर है, मतलब ज़्यादा दिन तक तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, बट ये जो है आपके हेयर को जो कलर कुछ दिन तक ज़रूर अच्छा रखेगा। गाइस, बट मैंने जो है हेयर को पूरा का पूरा बबल गम ब्लू नहीं किया है, क्योंकि पूरा ब्लू मुझे नहीं करना था, मुझे हाईलाइट्स करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा किया है एंड थोड़ा पीछे गोल्डन ब्लॉन्ड है एंड ब्लैक, मतलब रूट्स से जो है वो ब्लैक है, तो मैंने हाईलाइट किया है तो इसलिए ऐसा है मेरा हेयर। बट आपको पूरा कलर करना है तो आपको जो है एक बार करने के बाद सेकेंड टाइम फिर से करना पड़ेगा, मतलब दो कोट करने के बाद आपका जो हेयर है वो एकदम पूरा का पूरा जो है बबल गम ब्लू हो जाएगा पूरा। हेयर कलर को करने से पहले सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है अपने हेयर को जो है ब्लीच करना पड़ता है। ब्लीच करने के बगैर आप अपने हेयर को जो है ऐसी कलर नहीं कर सकते हो। तो आपको जो है हेयर को सबसे पहले एनी ब्लीच से, मतलब कुछ भी कोई भी ब्लीच यूज करके अपने हेयर को जो है ब्लीच कर लीजिए, फिर ये कलर अप्लाई कीजिए। तो मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया था कि आप अपने हेयर को जो है कैसे ब्लीच कर सकते हो। मैंने उस वीडियो में मैंने जो है गोल्डन ब्लॉन्ड जो है ब्लीच किया था। तो आप लोगों को वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि पहले सबसे पहले जो है अपने हेयर को जो ब्लीच करना पड़ेगा, फिर जो है आप अपने हेयर को कलर कर सकते हो। क्योंकि ब्लीच करने के अलावा आपके हेयर पे जो है ये कलर जो है ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब
वेस्ट हो जाएगा कलर। तो सबसे पहले ब्लीच जो है एकदम मैंडेटरी है, तो आप पहले ब्लीच कर लीजिए, फिर जो है कलर अप्लाई कीजिए अपने हेयर पे। बस आप लोगों को ये करना है तो डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया। एंड गाइस ये बहुत ही आसान है करने के लिए, एंड आप बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, एंड बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा, क्योंकि आप पार्लर पे या फिर सैलून पे करने जाओगे तो मान लो 2000 तो आपसे खींच ही लेगा। तो वैसे आप घर पे कर सकते हो ये कलर। तो गाइस आई होप इस वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प किया है, एंड मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड मेरे एफ बी एंड इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। एंड इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देता हूँ लाइफ के बारे में, स्टोरीज वगैरह डालता हूँ, फोटोज डालता हूँ, तो वहाँ पे जाओ मुझे फॉलो करो। एंड गाइस अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी तक क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे अच्छा अच्छा टिप्स सस्ते में कैसे आप लोग घर पे कर सकते हो मैं आप लोगों को ये बताते रहता हूँ। तो गाइस प्लीज मुझे सब्सक्राइब बटन है लाल वाला, वहाँ पे क्लिक करो एंड मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।